हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्डानो एडा के बारे में, जिसका करंट प्राइस जो चल रहा है 187 के अराउंड चल रहा है। इसको INR और USDT दोनों पेयर के अंदर देखेंगे और क्या क्या सिमिलैरिटी हमें इसमें देखने के अंदर मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, जिसको हम सिमेट्रिक ट्राइंगल बोलते हैं। तो अगर इस सिमेट्रिक ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चल सकते हैं, या तो सिमेट्रिक ट्राइंगल आप बोल सकते हो, या अगर हम इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल की बात करें तो दोनों की ही मैं यहाँ पे प्रॉन्स एंड कॉन्स यहाँ पे शेयर करूँगा। अगर तो मैं इस असेंडिंग ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाले असेंडिंग ट्राइंगल की, तो यहाँ से इसने अपना इस पॉइंट को पहले हाई टच किया, दैन नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आया, तो चांसेस इसके क्या है कि यहाँ पे ये इस पॉइंट को टच करेगा, मतलब 205 को। तो जिसने अभी 182 के अराउंड या 187 के अराउंड जिसने बाई किया है, तो उसका मैं टारगेट यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि इसका टारगेट 205 तक का हो सकता है। अगर वैसे पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न जो होता है ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न होता है, और इसका जो ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होता है। ये आपको चांसेस दे सकता है 213 से जाके वापस पुल बैक लेके, देन वापस 225 तक का टारगेट जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एडा की। ये दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर हम इन विक्स को भूल जाएँ और हम जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारा एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है। जब इस तरह का डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है तो यहाँ से जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत बियरिश ब्रेकआउट होता है। ओवरऑल अगर बिटकॉइन क्रैश कर गया तो यहाँ से जो हमारा एडा का जो प्राइस है वो आपको 170 और 144 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है, राइट? सो अभी किस हिसाब से आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ये सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो अभी के हिसाब से सबसे पहले जो मैंने आपको पैटर्न दिखाए हैं उसके हिसाब से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि सबसे पहले अगर ऊपर से वो इस पॉइंट को टच करता है तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है इस वाले सिमेट्रिक ट्राइंगल में। तो हमारे केस में भी क्या हुआ था, तो सबसे पहले उसने जो टच किया यहाँ ऊपर की तरफ टच किया, राइट? तो नीचे से आ रहा था ट्राइंगल हमारा, नीचे से आ रहा था, और नीचे से आने के बाद उसने यहाँ ऊपर टच किया, उसके बाद इसी पैटर्न में मूव करा। अभी हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो अभी इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद मैंने आपको जो टारगेट दिया, कितने का टारगेट दिया, 187 पे है, तो 205 के अराउंड टारगेट दिया। तो 205 का जो टारगेट है 205 तक आपको सेल आउट कर देना है और वापस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से ये नीचे आ गया देन जितने भी आपने ऊपर प्रॉफिट किया होगा वो सारा नीचे जा सकता है। तो आप जब इस पॉइंट के ऊपर आओगे, अभी इस पॉइंट के ऊपर आपने बाय कर लिया तो इस पॉइंट तक आपको सेल कर देना है, मतलब 205 के अराउंड आपको सेल कर देना है। और इन केस जब वापस नीचे आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आएगा, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है 2-3 रुपये का। अगर तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, आपका 2 रुपये का लॉस होगा, लेकिन ऊपर हम ऑलरेडी प्रॉफिट ले चुके होंगे। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया देन हमें एडा का एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल सकता है। तब उस टाइम पे आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, उस टाइम पे आपको इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है जब यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, ठीक है? अब दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन हमारे केस में क्या हुआ कि ऊपर से पहले नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर से पहले नीचे की तरफ नहीं आया। अगर हम यहाँ से कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ से कंसीडर करोगे, अगर इसको भी भूल जाओगे और यहाँ से कंसीडर करोगे तभी आपको बेरिश ट्राइंगल लगेगा कि पहले यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगा। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दूंगा। सो अभी यहाँ से नीचे आए और जैसे अब इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देखने को मिल सकता है कि पहले ये अपना यहाँ पे इसने टच किया, ठीक है? तो उस हिसाब से अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये पॉसिबिलिटी वाला बन रहा है, राइट? लेकिन ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी बिटकॉइन आज ऊपर की तरफ गया है, लेकिन कितनी देर ऊपर रहता है अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सो अगर इस तरह से आता देन हमारे पास चांसेस थे कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, लेकिन जो भी अभी तक ब्रेकआउट हो रहे हैं वो एग्जैक्ट ब्रेकआउट वैसे नहीं हो रहे हैं जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। मार्केट अभी बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रही है। तो अगर मेरे को ये पॉसिबिलिटी नज़र में आ रही है तो यहाँ से फेक ब्रेकआउट करने के बाद वो सीधा नीचे आ जाता है। हमें लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होता है, लेकिन वो एक फेक ब्रेकआउट होता है, उसके बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो आपको उस चीज़ का भी बहुत ध्यान में रखना है। सो
अभी अगर बात करें कि अभी अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया तो आपको कितनी देर तक इस पर होल्ड करना है। सो अभी यहाँ पे एडा की जो समिट होने वाली है तो आप summit.cardano.org के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सबमिट को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। कब सबमिट है? 25 और 26 को ये इनकी वर्ल्ड वाइड सबमिट हो रही है। वर्चुअली ये लाइव इवेंट करने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होंगे सारे और ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप इनमें अटेंड करना चाहते हैं यू हैव टू फिल योर डिटेल्स ओवर देयर एंड आफ्टर फिलिंग योर डिटेल्स यू हैव टू पुट योर नेम, यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ लोकल कम्युनिटी मीटअप तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किस रीजन से हैं, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अगर एशिया सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आबू धाबी है, बैंकॉक है, सो ये सारी सिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंडियन कोई सिटीज़ नहीं है तो हम नहीं जा सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे रिलेटेड कोई सिटी नहीं है। सो यहाँ पे किस तरह की आप एंटरप्राइज और बिजनेस के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं या किस तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स से आई एम मोर इनटू एंटरप्राइज और बिजनेस रिलेटेड सॉल्यूशंस। तो उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आप इनके जो इवेंट्स हैं वो आप जो है वो अटेंड कर सकते हैं 25th और 26th ऑफ सितंबर को। मतलब आपको यहाँ तक क्या करना है, यहाँ तक आपको होल्ड करके रखना है। मतलब टिल अभी जिस प्राइस के ऊपर आपने बाय किया है आप उसको 25th और 26th ऑफ सितंबर तक आपको होल्ड करना है और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको पंप देखने को मिल सकता है। तो अगर 186 है, अगर थोड़ा आपको और नीचे की तरफ मिलता है अराउंड, अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ 183 के अराउंड भी अगर आपको एडा मिलता है तो आप एक बार लेके रख लो और स्टॉप लॉस 182 के नीचे आप लगा सकते हैं। 180 के अराउंड आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें USDT पेयर के अंदर कि अगर जो लोग USDT के अंदर ट्रेड करते हैं सो उनके लिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे देखने को बन रही हैं। सो इसमें भी आपको सेम ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया। सो अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले ये अपना 200 डेज़ मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज जो है वो वहाँ तक जाएगा। सो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज रिबन यूज़ किया हुआ है। अब जैसे कि फ्री वाले अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते, अब आपको 3 मूविंग एवरेज यूज़ करनी है तो उसके लिए आप मूविंग एवरेज रिबन यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैंने 50 सेलेक्ट कर लिया और मैंने 200 सेलेक्ट कर लिया। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ तो 50 का कलर मेरा ब्लैक है, 200 का कलर मेरा रेड है, तो अभी भी यहाँ पे अप ट्रेंड बता रहा है। लेकिन जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक कर देगा देन हमारा वहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से आप ये मान के चलो कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो $2.3 और अगर यहाँ पे हम बात करें सो $2.2 के अराउंड आपको एडा देखने को मिल सकता है। सो $2.2 के अराउंड आपको एडा दिख सकता है या 2.3 के अराउंड अगर नीचे की तरफ ये गिरता है। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो $2 का है और उसके बाद सीधा नीचे 1.4 के अराउंड है। इसके बीच में भी आपको एक मिल जाएगा 1.86 के अराउंड या एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.7 के अराउंड। सो अब इसको अगर 4 आवर चार्ट के ऊपर देखें तो सेम चीज़ें वही रहेंगी एंड 4 आवर चार्ट के ऊपर अगर 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज की बात करें सो यहाँ से बियरिश उन्होंने सिग्नल दे दिया है। सो लेकिन इस सिग्नल को अभी हम यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करते 4 आवर चार्ट के ऊपर, लेकिन अगर हम उसको लेके चले अपने 1 डे चार्ट के ऊपर देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी के हिसाब से मैं ये हटा देता हूँ। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखेंगे, अगर जो इंट्राडे कर रहे हैं तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। सो अभी जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो एडा जो है वो यहाँ पे अपनी 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है और 200 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। मतलब एडा का अभी जो मेरे को प्राइस है वो यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। सो अभी एडा 200 डेज और 50 मूविंग एवरेज जो दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही थी अब दोनों एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही हैं। तो अभी आप एडा को थोड़ा वेट कीजिए बाय करने के लिए, आपको ये वापस $2.3 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है और अगर लो पे मिला तो अराउंड 2.33 के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो आप 2.33 के अराउंड एडा को ले सकते हैं या 2.35 के अराउंड भी ले सकते हैं। सो अभी के हिसाब से अगर आपको एडा को शॉर्ट करना है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, जहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट एडा जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपको दे सकता है। तो अगर आप 15 और 200 ये मूविंग एवरेज है, लेकिन मैं आपको मूविंग एवरेज रिकमेंड नहीं करता, उसके लिए अगर आपको यूज़ करनी है आप EMA को यूज़ करिए। आप यहाँ पे EMA अटैच कीजिए, आपको 2 EMA लगानी है, एक 50 और एक 200 EMA। तो यहाँ पे देखो 3 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाने दे रहा। सो मूविंग एवरेज रिबन को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। एक इंडिकेटर और लगाएंगे, यहाँ पे EMA को यूज़ करेंगे। सो जहाँ से
हमें जो रिजल्ट्स हैं वो और बेटर देखने को मिल जाते हैं। सो ये 50 है, 50 का कलर मैं ब्लैक कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियरली दिख जाएगा। और यहाँ से स्टाइल इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जिसको नहीं यूज़ करना आता वो यहाँ से देख सकता है। यहाँ से सेटिंग्स करेंगे, इनपुट में लेंथ 200 ऐड कर देंगे। इसका जो कलर आपको चेंज करना है वो आप रेड वगैरह जो भी करना चाहते हो, लाइन को थिक कर सकते हो, यहाँ पे ओके कर सकते हो। सो अभी के हिसाब से EMA के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से इसका प्राइस जो है वो नीचे की तरफ, अभी यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट है तो चांसेस क्या है इसको टच करके नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट उसने इसको टच किया, नीचे की तरफ आया, लेकिन अब उसने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो हमारी 200 डेज मूविंग एवरेज की या 50 मूविंग एवरेज की जो हमारी सपोर्ट थी उसने ब्रेक कर दिया। और चांसेस हैं प्राइस के मूव करने के इन दो पॉइंट के बीच में, टू आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में ये लाई करता है। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेंड हमारे पास क्या बताता है, 15 के हिसाब से ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड मतलब जब भी 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ चुका है और अभी भी हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं एटा के अंदर। और अब ट्रेंड हमें कब कन्फर्म मिलेगा, जो 50 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगी। सो मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसको नीचे से ऊपर की तरफ कट कर दे और ये लाइन नीचे आ जाए, ये 50 है और ये 200 है EMA, तब हम यहाँ से देखेंगे कि अब एटा का जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगा। सो अगर आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है आप उस हिसाब से भी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। सो ये मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी जो है ये सारी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल जो नए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारी इंट्राडे स्ट्रेटजीज आपको बताई हुई हैं। सो 4 आवर चार्ट के ऊपर वापस चलेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी हमने EMA यूज़ किया था। सो अगर आप यहाँ पे EMA ये भी देखते हो 50 और 200, तो अभी 200 भी एज अ एक तरह से 4 आवर चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। सो ये भी हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अगर ये क्रॉस करेगा देन जाके ये फिर से एज अ रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो अभी हमें EMA को यूज़ नहीं करना है, तो ये इंडिकेटर्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये पॉसिबिलिटी है सारी जो हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, और एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ये भी काफ़ी बड़ा सिमेट्रिक ट्रायंगल है, एक छोटा सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं है, राइट। तो इसके हिसाब से जो इसका ब्रेकआउट के जो चांसेस है मैंने दोनों बता दिए, बुलिश भी है और बियरिश भी है। और अभी के हिसाब से अगर ये नीचे की तरफ आता है दैट मीन्स आपको अपने ट्रेड क्लोज कर देने हैं और स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता है तो ये करंट प्राइस जो अभी इस पॉइंट के ऊपर है ये काफ़ी अच्छा प्राइस है, और आपको आने वाले टाइम में टिल 25th of September तक आप होल्ड कीजिए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डानो एडा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और क्वाइन या टोकन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एनालाइज दोज क्वाइंस एंड टोकन्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।